अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलेंगे स्टूडेंट, जो है हमारा रिकली एंड जोनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। सो स्टूडेंट, रिकली एंड जोनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट को हम फुलर्टन फंक्शनल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, रिकली एंड जोनस डेवलप्ड द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन 2001। कब डेवलप किया गया था? 2001 में। किन्हों ने किया था? रिकली एंड जोनस ने। दिस टेस्ट हैज प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर सीनियर सिटीजन। इट हेल्प्स द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क पार्टिसिपेंट्स। द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टेस्ट आइटम। चलिए हम देखते हैं वैसे कौन कौन से टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट चेयर स्टैंड टेस्ट। पर्पस हम जानेंगे कि क्यों लिया जाता है टेस्ट। द मेन पर्पस ऑफ द चेयर स्टैंड टेस्ट इज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स विच इज यूजली रिक्वायर्ड फॉर वेरियस टास्क सच एज क्लाइंबिंग स्टेयर्स, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ व्हीकल्स, बाथटब और चेयर। काफ़ी जगह पे मतलब यूज़ होता है जो लेग स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितना है उस, अगर अच्छा है तो वो जो ये ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उनको पाँव पे काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। बिकॉज वाई क्योंकि उनके लेग में स्ट्रेंथ कम होता है। जब एज हो जाती है तो स्ट्रेंथ भी मसल्स में कम होने लगता है। तो टेस्ट हम ले लेते हैं जो हमने देखा चेयर एंड स्टैंड टेस्ट। इस टेस्ट से हमें क्या मालूम चल जाता है कि उसके लोअर लेग में, उस इंडिविजुअल के लोअर लेग में कितना स्ट्रेंथ है, उस ओल्ड एज पर्सन के लोअर लेग में स्ट्रेंथ कितने लेवल में है। तो इस टेस्ट को क्या नाम हमने दिया है? चेयर स्टैंड टेस्ट। अब इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। अ चेयर विथआउट आर्म्स एंड स्टॉप वॉच। विथआउट आर्म मतलब जिसमें हाथ रखने वाला जो होता है चेयर पे वो नहीं होना चाहिए, विथआउट आर्म्स वाले होने चाहिए। और स्टॉप वॉच प्रोसीजर, प्लेस द चेयर अगेंस्ट अ वॉल वेयर इट विल बी स्टेबल, जहां वो स्टेबल रह सके चेयर को, चेयर को वॉल के साथ में लगा के रखेंगे। सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर विथ योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, शोल्डर विथ अपार्ट, बैक स्ट्रेट, क्रॉस योर आर्म एट द वेस्ट एंड प्लेस देम अगेंस्ट योर चेस्ट। द टेस्ट पार्टनर विल टेल यू वेन टू बीन एंड विल टाइम यू फॉर 30 सेकेंड यूजिंग द स्टॉप वॉच। स्टूडेंट चलिए हम पिक्चर देखते हैं कि किस तरीके से है चेयर स्टैंड टेस्ट का प्रोसेस। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड एज पर्सन है, चेयर को वॉल के साथ लगाया हुआ रखा हुआ है जिसमें हैंड स्टैंड नहीं है, विथआउट हैंड स्टैंड चेयर है ये, ठीक है। इसमें इनको क्या करना होता है, सीधे बैठने होता है, स्पाइनल कॉर्ड उनका सीधा रहता है, जो दोनों फुट है वो फ्लोर के साथ टच होंगे और दोनों हाथ को क्रॉस पोजिशन में अपने दोनों शोल्डर को टच किया जाता है, ठीक है। यहाँ से मूव नहीं करना है अपने हैंड को, स्टैंड बाई मोड में भी और बैठते वक्त में भी, ठीक है। अब स्टैंड बाई मोड में आना है तो अपने दोनों हैंड को शोल्डर में टच करके स्टैंड बाई मोड में आना है, और जब फिर से बैठेंगे वैसे ही स्टैंड बाई मोड में आकर स्टैंड हो जाना है, खड़े हो जाना है, और जब बैठेंगे तो वैसे ही क्रॉस में हैंड को रखते हुए वापस वो चेयर में बैठेंगे। तो 30 सेकेंड तक ये हम देखते हैं कि 30 सेकेंड में वो कितने ये जो स्टेप वो मतलब इसके अच्छे से कर पाते हैं, मतलब स्टैंड बाई मोड में आ पाते हैं और कितने अच्छे से वो सिटिंग पोजीशन में जा पाते हैं हैंड को क्रॉस पोजीशन में शोल्डर को टच करे हुए। हैंड को मूव नहीं करना है और ना ही आपका पैर में, ना ही आपका पाँव पे किसी भी तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट स्कोरिंग, द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड चेयर स्टैंड ड्यूरिंग द गिवन 30 सेकेंड। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकमेंडेड रेंजेस फॉर दिस टेस्ट फॉर डिफरेंट एजेस ग्रुप्स, ठीक है। स्टूडेंट टेबल आपको बुक्स में मेंशन मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से बताया गया है सीट एंड जो आपका टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट आर्म कर्ल टेस्ट। द आर्म कर्ल टेस्ट इज अ टेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम आर्म कर्ल टेस्ट लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इट इज डिजाइन टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ एज्ड पीपल। स्टूडेंट देख सकते हैं आप इसमें भी सिटिंग पोजीशन वाला ही टेस्ट है। आपको फ्लोर में अपने फीट को टच रखना है, मूवमेंट नहीं होगा किसी भी तरह का लेग में। हैंड को आप अपने थाइस के ऊपर रखिए और एक हैंड के ऊपर आपका वेट दे दिया जाएगा, ठीक है। वो वेट को आपको
अपने शोल्डर तक अप करना है और वेट को वैसे ही वही पोजीशन में लेके आना है, इसी पोजीशन में। फिर ये अप जाएगा, फिर ये अप होगा, फिर ये वापस अपने जगह पर वैसे ही आ जाता है। तो इसे हमने क्या मेजर किया था, आर्म कर्ल टेस्ट, इसे हम कहते हैं इज द टेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ इससे हमें मालूम चल जाती है, बाइसेप्स में कितना, हैंड में कितना पावर है, शोल्डर में कितना पावर है, बाइसेप्स फोरआर्म्स में कितना पावर है, हमें मालूम चल जाती है, ठीक है। और हैंड तो हमारे अपर बॉडी के पार्ट में आते हैं, तो इसलिए हमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ इससे हमें मालूम चल जाती है स्टूडेंट। पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज एक्सेस टू अपर बॉडी स्ट्रेंथ। इक्विपमेंट रिक्वायर ऑफ 5 pound वेट फॉर वुमेन एंड 8 pound वेट फॉर मेन। देखिए इसमें वेट डिफरेंस है, वेट में डिफरेंस है, 5 pound वुमेन के लिए है और 8 pound मेन के लिए है। अ चेयर विथआउट आर्म्स एंड स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच तो आपको चाहिए ही, और साथ में वो चेयर चाहिए जो विथआउट आर्म होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। प्रोसीजर हमने देख लिया, द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू डू एज मैनी आर्म कर्ल्स एज पॉसिबल इन 30 seconds। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द डोमिनेंट आर्म साइड, द पार्टिसिपेंट सिट्स ऑन द चेयर होल्डिंग द वेट इन द हैंड्स यूजिंग अ सूटकेस ग्रिप। सूटकेस ग्रिप में होल्ड करना है उस वेट को, सूटकेस ग्रिप इट्स मीन कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना है उस वेट को, वेट को सूटकेस ग्रिप में पकड़ना है। हम सूटकेस ऐसे उठाते हैं ना बच्चों, ऐसे करके हम उठाते हैं ना सूटकेस, उसी वेट को भी कुछ इस तरीके से हमें पकड़ना है, ठीक है। ग्रिप द आर्म इन अ वर्टिकली डाउन पोजिशन बिसाइड द चेयर। ओके स्टूडेंट, हमने ये टेस्ट देख लिया है। अब इसके स्कोरिंग किस तरीके से होगा, द स्कोर इज गिवन फॉर द टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल आर्म कर्ल्स परफॉर्म इन 30 seconds। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं जो है हमारा चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। अब कैसे करते हैं और इसका एम क्या है, स्कोर कैसे होता है और कैसे होता है ये टेस्ट, चलिए जानते हैं। पर्पस, द एसेसेस लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी कितना है ये हमें मालूम चल जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर, रूलर, स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर 44 centimeters हाई। प्रोसीजर क्या होता है, द पार्टिसिपेंट सिट ऑन द एज ऑफ अ चेयर केप्ट अगेंस्ट अ वॉल फॉर सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट, 1 foot should remain flat on the floor while the other leg is extend forward with the knee in straight position. Heel on the floor, the ankle should be bent at 90 degrees. Place on hand on top of the other with tips of the middle finger even. Instruct the participant to inhale and then as he exhale, reach forward towards the toes by bending at the tip. Inhale, exhale, सांस लेना, inhale, सांस छोड़ना, exhale. Next हम देखते हैं स्टूडेंट इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। देखिए पिक्चर यहाँ बताया गया है, चेयर में बैठना है विदाउट आर्म वाले चेयर में। चेयर को अगर वॉल के साथ हम लोग लगा के रखते हैं तो ज़्यादा फायदा है, बिकॉज चेयर में मूवमेंट नहीं होगा, वरना चेयर में मूवमेंट होगा तो डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पैर को उसने 90 डिग्री में रखा हुआ है और एक पैर को पूरा का पूरा उसने मतलब स्ट्रेट पोजीशन में रखा है और अपने दोनों हाथों से उस पैर के टोस को छूने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पर्पस टू एसेस लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इसके कितनी है ये हमें मालूम चल जाता है इस इंडिविजुअल का, ठीक है। और इस टेस्ट, इस प्रोसेस को करते हुए वो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस ठीक तरीके से उसे करना चाहिए, ये नहीं कि सांस को रोकते हुए और ये भी नहीं कि सांस को ले लिया फिर, ऐसा नहीं, इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस इसमें चालू रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है टेस्ट, जिसे हम मेजर कर लेते हैं लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उस इंडिविजुअल की। स्कोरिंग, द स्कोर इज नोटेड डाउन टू द नियरेस्ट 1 to 2 inches और 1 centimeter एज द डिस्टेंस रीच आइदर अ नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर। कितना बार वो सही तरीके से टच कर पाता है, कितने बार वो सही तरीके से टच नहीं कर पाता है, ये सारे चीज़ को मेंशन किया जाता है स्कोर में, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, चौथा टेस्ट जो है, फोर्थ टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट। पर्पस जान लेते हैं, दिस टेस्ट हेल्प्स टू असेस अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स सच एज कॉम्बिंग हेयर, पुटिंग ऑन ओवरहेड गारमेंट्स, रीचिंग फॉर अ सीट बेल्ट एट्सेट्रा। अब देखिए शोल्डर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्क हैं जो हम हाथों से करते हैं, कॉमन सा बात है। तो अब हाथ में अपना जो शोल्डर है, अपना हैंड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम अपने हेयर को कॉम कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है तभी हम ठीक से कॉम कर पा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हैं, कार चला रहे हैं, फोर व्हीलर, तो हमें सीट बेल्ट लगाना है तो भी हमें शोल्डर में पावर लगती है, शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ठीक तरीके से, वरना हमें शोल्डर में पेन होगा या ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब
ऐसा मूवमेंट जिसमें शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है और होनी भी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है शोल्डर तो हाथों से होने वाला कोई भी वर्क, कोई भी हैंड से होने वाला कोई भी वर्क वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है किसी भी वर्क को सफिशिएंट वे में करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें समझ गए। तो अब इक्विपमेंट्स क्या क्या है, तो और रूलर, एक रूलर चाहिए इस पे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लगता है। प्रोसीजर, दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन में परफॉर्म करना है। कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड एंड लोअर इट डाउन ग्रेजुअली ओवर द शोल्डर एंड रीच एज फार एज पॉसिबल एट द मिडिल ऑफ योर बैक। योर पाम शुड टच योर बॉडी एंड द फिंगर शुड बी डाउनवर्ड्स। चलिए अब हम इसके पिक देखते हैं कि किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, आपके हैंड है और दूसरा हैंड आपको एक डाउन पोजिशन से जा रहा है और एक दूसरा जो हैंड है वो अप पोजिशन से ऊपर की तरफ से आ रहा है। तो इन दोनों को आपस में टच करना होता है, ठीक है, इन दोनों को आपस में टच करना होता है। अगर टच नहीं हो भी पाता है तो इस हैंड से इस हैंड का जो डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना कम डिस्टेंस होगा हम ये पता कर लेंगे कि शोल्डर में फ्लेक्सिबल कितना है, फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है शोल्डर में वो कितना है, ठीक है। जितना ये कम मेशर होगा, जितना ज़्यादा मेशर होगा ये, जितना ज़्यादा देखिए मेशर हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं है, अगर उससे थोड़ा और हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, और भी मतलब कम डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों हाथों के बीच में तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने जगह पे सही है। इसे हम ये मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट जो आता है हमारा टेस्ट, 8 foot up and go test। कौन सा टेस्ट है स्टूडेंट ये, 8 foot up and go test। पर्पस, द 8 foot up and go is a coordination and agility test for the elder pupil, which is a part of the senior of a person. This test measure speed, agility and balance while moving. मूव करते वक्त स्पीड, एजाइलिटी एंड बैलेंस के पता हमें चल जाता है कि कितना है उस इंडिविजुअल के अंदर। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, स्टॉप वॉच, स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर अबाउट 70 inches एंड 44 centimeter हाई, कोन मार्कर, मेजरिंग टेप एंड एन एरिया विथआउट एनी हिंड्रेंसेस। नेक्स्ट प्रोसीजर, तो प्लेस द चेयर नेक्स्ट टू अ वॉल फॉर सेफ्टी एंड द मार्कर 8 feet अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर। क्लियर द पाथ बिटवीन द चेयर एंड द मार्कर। द पार्टिसिपेंट स्टार्ट्स फुली सीटेड, हैंड्स रेस्टिंग ऑन द नीज एंड फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। चलिए पिक देखते हैं तो इस पर और भी अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट ये पिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, चेयर को वॉल के साथ लगा के रखना है, हैंड वाला चेयर इसमें नहीं होना चाहिए, बिना हैंड वाला चेयर होना चाहिए। देखिए हैंड नहीं है और इसमें सिटिंग पोजिशन में इंडिविजुअल को बैठा देते हैं, हम सीनियर सिटीजन को हम बैठा देते हैं और उसके आगे हम 8 feet मार्क कर देते हैं और उसे हम कहते हैं वहाँ से 8 feet जहाँ तक मार्क किया गया है वहाँ पर हम कौन पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो वो उसे कोन तक आना है, कोन से वापस उसे घूमते हुए, देखिए ये कोन रखा हुआ है, कोन से वापस इसे घूमते हुए चेयर तक जाना है और बैठना है। तो इस डिस्टेंस को कंप्लीट करते वक्त उसे कितना ड्यूरेशन लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये बात का हम पता कर लेते हैं। सो स्टूडेंट तो इसे हमें क्या मालूम चल जाता है, इसे हमें क्या मालूम चल जाता है, स्पीड, एजाइलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग। ओके स्टूडेंट, हमने पता कर लिया इस चीज को, इस टेस्ट को कंडक्ट करके सीनियर सिटीजन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट जो लास्ट टेस्ट है हमारा, 6 minute walk test। द 6 minute walk test इज डिजाइन टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। फंक्शनल फिटनेस, पर्पस द एसेस एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंड्योरेंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर वॉकिंग डिस्टेंस, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉपिंग। देखिए अब वो इंडिविजुअल है, वॉक करता है, स्टेयर चढ़ता है, तो उसे ब्रीदिंग तो लेना ही पड़ता है। एरोबिक इट्स मीन ब्रीदिंग का बार बार जहाँ यूज़ हो रहा है, डिमांड बार बार आ रहा है, तो उस ब्रीदिंग को बार बार जब ले रहा है तो वो कितना अच्छा से उसका ब्रीदिंग चल रहा है, उसका हार्ट कितना अच्छा से वर्क कर पा रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। उसका ब्लड फ्लो कितना अच्छा हो पा रहा है, उसका हार्ट रेट कितना अच्छा बता जा रहा है, इन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो एरोबिक फिटनेस भी उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, या हमें पता नहीं है उनका एरोबिक फिटनेस कितना है तो हम 6 minute walk test उनका ले सकते हैं। अब एक किस तरीके से होगा हम डायग्राम में समझेंगे, पहले इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हम समझ लेते हैं। स्टॉप वॉच, अ मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच चाहिए और एक मेजरिंग टेप चाहिए। प्रोसीजर, द वॉकिंग डिस्टेंस और कोर्स इज मार्क्ड 50 yards इन अ रेक्टेंगुलर एरिया।
20 into 5 yards or 5 yards with cones placed at rectangular interval to indicate the distance covered. Effort are made to walk maximum distance as quickly as possible in 6 minutes. A practice trial is given to the participant. He may stop any time if he desires so. So student, picture आपको यहाँ पे mention किया गया है, हमें दो cone रखना है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना हो चाहिए हमें स्टूडेंट 30 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। दो कोन रखते हुए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दे देना है इस इंडिविजुअल को, तो ये यहाँ से चलना शुरू करता है, चलते चलते वापस ही इस जगह पे आता है और टर्न ले लेता है, टर्न लेते हुए फिर से वापस ही स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाता है। तो हमने टाइम को देखा कि कितना टाइम उसे लगता है इस डिस्टेंस को कवर करते वक्त, उसे कितना टाइम यहाँ पर लगता है। जितना कम टाइम लगेगा उतना उनके लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना उनके लिए ठीक नहीं है। तो इसमें यही देखा जाता है, द टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 मिनट इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो है कवर किया जाता है इन 6 मिनट में, रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट मीटर। 6 मिनट के अंदर आपको एक डिस्टेंस जो है कवर करना है, तो 6 मिनट के पहले अगर डिस्टेंस कवर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट 6 मिनट के अगर बाद जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये हमें मालूम चल जाता है कि उनका एरोबिक जो फिटनेस है वो उतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, एरोबिक फिटनेस में वो उतना अच्छा से नहीं आ रहे हैं। अगर 6 मिनट के अंदर 6 मिनट तक ही सही अगर उसने ये डिस्टेंस को कवर कर लिया है तो समझ लीजिएगा स्टूडेंट कि एरोबिक फिटनेस उस इंडिविजुअल का काफ़ी बेहतर है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।